हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या बेसिकली रहता है, आउटर स्ट्रक्चर है। ये दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, आउटर में क्या है, वॉल प्रेजेंट होती है आउटर। इस आउटर वॉल को क्या कहते हैं, पूरे हार्ट को कवर करके रखती है, ठीक है। इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये जो लेयर होती है प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। अब हार्ट में दोनों जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेट करता है, दिस इज द सेप्टम। ये क्या है, वॉल पार्टीशन, वॉल पार्टीशन है। लेफ्ट और राइट साइड को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। अब हम हार्ट में क्या, ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, क्या फोर चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड। फोर चैम्बर होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो फोर चैम्बर, अभी हम देखते हैं। इस तरह से करके पार्टीशंस हैं यहां पर प्रेजेंट। तो क्या इन जो हार्ट का हम लेफ्ट और राइट साइड देखते हैं कैसे अपने से मैच करते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट हूं यहां पर, तो मेरा लेफ्ट साइड है दिस वन, तो दिस इज द लेफ्ट साइड। अब मेरा राइट साइड, राइट साइड तो राइट साइड, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट साइड। तो अपर पार्ट को दोनों क्या है, एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो ये जो पार्ट है क्या कहलाएगा, क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, सिमिलरली राइट एट्रियम, और नीचे वाला क्या होगा, राइट वेंट्रिकल। ओके, तो ये हो गए फोर पार्ट्स हो गए हैं। अब इसमें ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखेंगे कि क्या उसका पर्टिकुलर पैटर्न रह रहा है। तो अब क्या करने का है हमको, कि हार्ट में सप्लाई देखने का है, सप्लाई कहां से आ रहा है, एग्जिट कैसे कर रहा है। तो सप्लाई इस तरह से करके, सपोज ये क्या है, दिस इज द ब्लड कमिंग, ठीक है, ब्लड ऐसे आ रहा है हार्ट में, ठीक है। हार्ट में ब्लड जो सप्लाई है वो लेके आ रही है क्या, पल्मोनरी देखिए दो कंडीशन है। अगर कोई भी ब्लड वेसल जो कि हार्ट की ओर आ रही है, मतलब बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की ओर आ रही है, तो दैट इज वेन। ब्लड क्या है, हार्ट की ओर आया तो वेन, और हार्ट से अगर सप्लाई होगा ब्लड तो दैट इज आर्टरी, ठीक है। आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द ऑर्गन्स एंड वेन रिसीव द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। तो दिस इज द पल्मोनरी वेन, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, पल्मोनरी वर्ड आगे याद रखें, पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम लंग्स। ठीक है,
लंग से आ रही है पल्मोनरी वेन। अभी पल्मोनरी वेन आई, ठीक है, ब्लड कहां पहुंचा हमारा, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा। अब लेफ्ट एट्रियम से उसे जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वॉल्व प्रेजेंट है यहां पर। दिस वॉल्व इज वी वन, दिस वॉल्व इज वी टू, वी वन एंड वी टू बोथ आर इनलेट वॉल्व्स। इनलेट वॉल्व्स है मींस इनसे जो ब्लड है वो कहां जा रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है। ये ब्लड ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर से आया, ये ब्लड ऐसे। अब क्या रहता है फर्दर, देयर इज सप्लाई ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अब हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होता है वो कैसे होगा, ब्लड आ तो गया कहां से, लंग से आया है। अब लंग से आया तो लंग से ब्लड कौन सा आने वाला है, प्योर ब्लड आने वाला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है, वो मैं भी डिस्क्राइब करूंगा आपको, पहले सप्लाई देख लीजिए। तो अब जो फर्दर है सेकेंडरी सप्लाई कहां से होने वाला है, ये ब्लड, तो जो ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा वो एओर्टा के थ्रू होने वाला है। तो एओर्टा में यहां दिखाने का है ये, इस तरह से करके, ठीक है, दिस इज अ सप्लाई, दिस इज एओर्टा, ए ओ आर टी ए, एओर्टा। एओर्टा मतलब क्या है, एओर्टा मतलब है मेन आर्टरी। मेन आर्टरी, आर्टरी मतलब जो ब्लड हार्ट टू ऑर्गन सप्लाई करेगी। अब ये जो ब्लड जाने वाला है सप्लाई के लिए, ये कहां से जाने वाला है, ये एट्रियम से नहीं जाने वाला, वेंट्रिकल से जाने वाला। तो ये कनेक्शन हमें किसके थ्रू दिखाने का है, ये कनेक्शन हमें दिखाने का है वेंट्रिकल से। तो वेंट्रिकल से क्या, ये जो वॉल्व है इसका जो हम स्टार्टिंग करेंगे इस तरह से करेंगे यहां से, ठीक है। तो ब्लड ऐसे आया है, यहां से टर्न लेगा और ऐसे एग्जिट करेगा, ठीक है। तो अब फ्लो देख लीजिए कहां से कहां की ओर गया, पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आई कहां से, लंग से, लंग से ब्लड गया कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया कहां पर, इस मेन एओर्टा में या मेन आर्टरी में, ठीक है, एओर्टा में या मेन आर्टरी में गया, ठीक है, किसके थ्रू, वाल्व के थ्रू गया। दिस इज वी थ्री, ये जो वाल्व था यहां पर वी थ्री था, ऐसे ही वी फोर वॉल्व आएगा। तो वी थ्री और वी फोर, वी थ्री और वी फोर दोनों ही आउटलेट वॉल्व हैं, आउटलेट वॉल्व मतलब ये दोनों ही जो ब्लड को बाहर की ओर भेजने वाले, हार्ट से बाहर जाने वाला है। इनलेट वॉल्व के थ्रू ब्लड हार्ट की ओर आने वाला था, आउटलेट वॉल्व के थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर जाने वाला है, ठीक है। तो ये हमने मेन आर्टरी देख लिया, सप्लाई कैसे आया, जो लेफ्ट साइड है हमारी, लेफ्ट साइड हार्ट की, उसमें प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा क्योंकि लंग से आ रहा है ब्लड। लंग से कहां पर आया था ब्लड, पल्मोनरी वेन में आया था। कैसा ब्लड था, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओबी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या लिख लेते हैं, ओबी का क्या मीनिंग है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी जो वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई। लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ मेन एओर्टा के थ्रू, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां पर गया, ये जो एओर्टा है मेन आर्टरी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रही है, तो कहां पर गया है ब्लड, पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ब्लड को सप्लाई कर दिया गया पूरी बॉडी में, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, लेफ्ट साइड देखा, लेफ्ट साइड में क्या, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट साइड में, राइट साइड में कैसे ब्लड मूवमेंट हो रहा है। तो सिमिलरली जैसे हमने लेफ्ट पार्ट में किया था ऐसे ही राइट पार्ट में देखते हैं हम। तो राइट पार्ट में क्या है, दिस पैटर्न मींस जैसे मेन आर्टरी थी राइट, जो क्या कर रही थी यहां से, सॉरी पल्मोनरी वेन थी ना, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लेके, सॉरी लंग से ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रही थी। अब यहां पर जो आने वाला है क्या है, वेना केवा, दिस इज वेना केवा, क्या है ये, मेन वेन,
मेन व्हील ये कैसा ब्लड लेके आने वाली है, डीओ मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन मतलब क्या है, ब्लड में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन जो है वो उसमें से यूज कर ली गई है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है सेल्स में जाता है डिफरेंट, जैसे हैंड्स में गया हमने एक्सरसाइज किया है कुछ वॉकिंग कर रहे हैं जो भी वर्क कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन जो ब्लड से सप्लाई होकर आर्टरी लेके आ रही है वो यूज हो जाती है, ठीक है वो यूज हो जाएगी तो ऑक्सीजन हट गया ब्लड से तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा तो वहां पर से क्या होगा क्या कहते हैं उसको ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन मिलेगी पहले फिर हार्ट में जाएगा फिर बॉडी में सप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो यही है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे इसमें की ऑक्सीजन यूज हो चुकी है जिसकी ऑक्सीजन, तो जो मेन वेन है ना वेना केवा कहां से आ रही है ये फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट से जो वेना केवा है ये कैसा ब्लड लेके आ रही है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, कहां पर पहुंचा ब्लड ये ब्लड पहुंचता है हमारा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां जाएगा वॉल के थ्रू, वॉल के थ्रू ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, वॉल का एक स्पेशल फंक्शन होता है, वॉल क्या होता है वॉल्व वन डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं ब्लड, क्या होगा कहीं वॉल्व हो जैसे हमारा जो टैप होता है टैप नल जो होता है उसमें ही वॉल्व लगे रहते हैं, ठीक सप्लाई में वॉल्व रहते हैं ओपन क्लोज, तो वॉल्व का वर्क ही होता है वन डायरेक्शन फ्लो होता है, ऐसे ये वॉल्व है वन डायरेक्शन फ्लो कराएगा, जैसे ब्लड नीचे आएगा देखिए जैसे ये वॉल्व है बीच से ब्लड जाना है ठीक है इसी तरह से वॉल्व है, तो जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो वॉल्व ओपन हो जाएगा और जैसे वेंट्रिकल में ब्लड फुल हो गया तो एकदम से वॉल्व क्लोज हो जाएगा, हार्ट की जो साउंड आती है ना ठीक है लबदब साउंड जो होती है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ठीक है ऐसे वॉल्व ओपन हो रहे हैं क्लोज हो रहे हैं तो वो साउंड आती रहती है लब जब साउंड जो है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग की है वॉल्व्स के, ठीक है। तो अब हमारा एट्रियम में ब्लड आ चुका है वेना केवा से पूरी बॉडी का ब्लड कलेक्ट करके जो कि कैसा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि राइट एट्रियम में आ गया है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया है, अब राइट वेंट्रिकल से क्या होना है इसको प्योरीफाई करने के लिए भेजना है, अब प्योरीफाई करने के लिए कहां भेजना पड़ेगा लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो अब ब्लड कहां जाने वाला है लंग्स में, मैं थोड़ा सा यहां से इसको हटा रहा हूं ये पार्ट को, यहां से अब ये ब्लड जो है प्यूरिफाई होने के लिए कहां जाने वाला है लंग्स में जाने वाला है, तो लंग्स में जाने के लिए जिस तरह से इधर कनेक्शन किया था ऐसे ही सिमिलरली कनेक्शन यहां पर करने का है, यहां पर ये वॉल्व कौन सा रहेगा V4 वॉल्व रहेगा, ठीक। तो ब्लड आया इसको नेम कर देते हैं दोबारा, ये वेना केवा है मेन वेन नीचे लिख दिया ना, कैसा ब्लड था इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट। अब जब ब्लड जो आ चुका है वेंट्रिकल में आ चुका है तो वेंट्रिकल से ये मूवमेंट किधर की ओर करेगा इधर ऐसे राइट, कहां जाएगा V4 के थ्रू इस पर्टिकुलर जहां भी लंग्स से रिलेटेड सप्लाई आएगी, तो पल्मोनरी नेम देना है, क्या देना है पल्मोनरी, अब क्योंकि लंग्स में सप्लाई होगा तो क्या कहेंगे इसको आर्टरी, और लंग्स से वापस लेके आता है तो वेन, जो वेन थी इधर ठीक है वापस आ रही थी तो वेन, अब सप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया ये आर्टरी, यहां में भी कर रहे हैं इसका तो दिस इज ये इसे आउटसाइड की ओर जा रहा है इसे, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, कैसा ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है ये लंग्स में, ठीक है टू लंग्स जा रहा है, लंग्स में जाके फिर ऑक्सीजन मिल जाएगी प्योरीफाई हो जाएगा फिर उसको वापस लेके कौन आएगा पल्मोनरी वेन लेके आएगी, इधर से सप्लाई गई लंग्स में, लंग्स से वापस कौन लेके आया पल्मोनरी वेन लेके आया ब्लड को वापस, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन साइकिल चलता रहता है, ठीक है वॉल्स ओपनिंग क्लोजिंग होकर के वन डायरेक्शनल फ्लो करा रहे हैं, तो एक बार रिवीजन देख लीजिए कैसे हुआ, पूरी जो लंग्स है लंग्स से ब्लड कौन कलेक्ट करके लेके आया पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कहां पर लेफ्ट एट्रियम में सप्लाई है, लेफ्ट एट्रियम से
लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया, एओर्टा ने पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर दिया। अब पूरी बॉडी से जो ब्लड को कलेक्ट किया वो किसने किया, पूरी बॉडी से वेना केवा ने या मेन वेन ने पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया। कहां लेके आई वो, राइट एट्रियम में लेके आई, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया वॉल्व के थ्रू, वीटू के थ्रू, और राइट वेंट्रिकल से फिर वॉल्व V4 आउटलेट वॉल्व के थ्रू वो कहां पर गया, जो कि हमारी बॉडी में सॉरी लंग्स को, लंग्स में सप्लाई हुआ पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि उस ब्लड को हमें प्यूरिफाई करना था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो ये गया कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में सप्लाई गया, फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन आ गया, फिर वापस आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से करके साइकिल चलता रहता है। अब एक बार अगर आप देखें तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए, पूरी बॉडी में एक बार ब्लड सप्लाई करने के लिए दो बार हार्ट से ब्लड पास होता है। ठीक है, जैसे यहां देखा हमने कि पहले जो है लंग से ब्लड आया प्योर ब्लड, फिर वो सप्लाई हो गया बॉडी में, फिर वो वापस आया प्यूरिफाई होने के लिए, फिर गया और फिर है, तो मतलब एक बार फिर लंग्स में गया प्यूरिफाई होने के लिए। तो एक बार पूरी बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट से दो बार ब्लड पास हो रहा है, तो इसी को ही क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई जो हो रहा है और कलेक्ट किया जा रहा है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जो सप्लाई हमारे कहां की जा रही है, लंग्स में की जा रही है, लंग्स में ब्लड सप्लाई हुआ, लंग्स से कलेक्ट हुआ, तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है, दोनों सर्कुलेशन को मिला करके। ओके, नेक्स्ट है फ्लो डायग्राम और देख लीजिए आप सर्कुलेटरी सिस्टम का। फ्लो डायग्राम में क्या रहने वाला है कि सपोज दिस इज अवर हार्ट, ठीक है, तो अपर दोनों क्या कहलाएंगे, एट्रियम, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरह से करके सपोज these are our lungs and suppose these are body organs, हाँ जी। अब सबसे पहले लंग्स से जो ब्लड सप्लाई आती है कहां आती है, लंग्स से ब्लड सप्लाई ऐसे करके लेफ्ट एट्रियम में आती है, कौन लेके आता है इसको, इसको लेके आता है कौन, पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड है इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी वही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, कौन सप्लाई करेगा पूरी बॉडी में, ये सप्लाई करता है कौन, जो एओर्टा होता है, एओर्टा या मेन आर्टरी, मेन आर्टरी। कैसा ब्लड है इसमें भी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड दैट इज सप्लाइड टू द बॉडी ऑर्गन्स। अब बॉडी ऑर्गन्स को कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल चुका है, वो यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन यूज हो जाएगी। अब ऑक्सीजन यूज हो गई तो अब क्या हुआ, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचाया जाता है, कहां पहुंचाया जाना जरूरी है, तो पहले कहां जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट में जाएगा, तो हार्ट में कहां जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सप्लाई किया जाता है कहां पर, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में इंप्योर ब्लड आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, वेना केवा, वेना केवा लेके आ रहे, ठीक है, या मेन वेन भी कहते हैं, मेन वेन। कैसा ब्लड है इसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहां गया, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। अब यहां से कहां सप्लाई होना है, प्योरीफाई करना है, इसको ऑक्सीजन मिलाना है, तो ऑक्सीजन के लिए कहां जाएंगे,
लंग्स में, तो ठीक है, तो यहां से जो सप्लाई जाती है नेक्स्ट लंग्स में जाती है, ठीक है, ये सप्लाई कहां जा रही है, लंग्स में। अब जो लंग्स में ये सप्लाई गई कौन लेके जाएगा इसको, लंग्स है तो सिंपल सी बात है पल्मोनरी वर्ड लगाना है। अब क्योंकि हार्ट से ऑर्गन की ओर सप्लाई है तो क्या होगा आर्टरी, हार्ट से ऑर्गन की ओर सप्लाई होगा तो क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी। कैसा ब्लड है इसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन में आ जाएगा, फिर सेम साइकिल शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द फ्लो डायग्राम हाउ द ब्लड इज मूविंग इन द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए आर्टरी कैपिलरीज और वेन में कैसे क्या है। तो एक आर्टरी क्या काम कर रही है, ये सपोज दिस इज द आर्टरी, ठीक है, इसका आर्टरी का वर्क क्या है, हार्ट टू ऑर्गन ब्लड सप्लाई, वेन का काम क्या है, सपोज इट इज वेन, ये क्या काम कर रही है ऑर्गन टू हार्ट, ब्लड सप्लाई, ऑर्गन टू हार्ट ब्लड सप्लाई कर रही है वेन, ठीक है। तो क्या रहने वाला है फिर, जो एक्सचेंज है वो कैसे होता है, जो टिश्यूज होते हैं उन तक, सेल्स तक या टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचती कैसे है। अब जैसे सपोज ये जो आर्टरी थी जो ब्लड सप्लाई कर रही थी कहां पर जा रही थी, सपोज इंटेस्टाइन में जा रही है, ठीक है, या किसी भी ऑर्गन में, तो ये छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, बहुत माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है फिर, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड हो गई है फर्दर। अब ये सारी की सारी जो कैपिलरीज हैं रिकम्बाइन करती हैं, सब रिकम्बाइन करके क्या बना लेती हैं, वेन बना लेती हैं। तो ये कैपिलरीज हैं, वेन हो गया। अब सपोज करो ये हमारी कोई सेल थी, ठीक है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द सेल। अब क्या होने वाला है, जो ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में इधर है O2 वो सेल की ओर ट्रांसफर होती है, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब सेल के अंदर क्या बनता रहता है, ऑक्सीजन तो यूज होती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, रेस्पिरेशन होगा तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा, वहां से क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये जो CO2 है ये इस सेल से किधर की ओर मूव करता है, कैपिलरी की ओर मूव करता है, ठीक है। तो ये आर्टरी में क्या देखा फिर हमने, यहां पर क्या था, कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन में क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसका एक एक्सेप्शन केस भी है जो हमने स्टडी भी किया, अभी हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे थे, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कैसा ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में, सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, केवल पल्मोनरी आर्टरी ऐसी जो लंग्स में ब्लड सप्लाई कर रही है इसमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां पर क्या है एक्सेप्शन केस, क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड है इसमें, इसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन केसेस हैं, अदरवाइज सारी आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और वेन्स में क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, बस पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो ये रूल फॉलो नहीं करती है, बाकी सब में ऐसा होता है। कुछ और जान लीजिए इसके बारे में, जो आर्टरी होती है ये क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल्ड, वेन और वेन जो है ये थिन वॉल्ड है, और यहां पर क्या है कैपिलरीज, वेरी थिन वॉल्ड, वेरी थिन वॉल्ड रहते हैं, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल हो सके, गैसेस का एक्सचेंज हो सके इजीली, जो डिफ्यूजन होना है वो इजीली हो सके, ठीक है, तो उसके लिए वर्कआउट रहता है। तो दिस इज द पैटर्न
हाउ मेटीरियल एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू दीज कैपिलरीज. ठीक है, मेटीरियल एक्सचेंज कैसे हो रहा है. मेटेरियल एक्सचेंज में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन भी है और फूड होगा तो फूड भी. ब्लड में क्या फूड प्रेजेंट था वो सेल तक आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट जो है वो वापस ब्लड में चले गए. ठीक है, तो ये सारा का सारा जो मेटेरियल एक्सचेंज कैपिलरीज के थ्रू कैसे होता है, तो ये इस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं. तो हार्ट जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स भी बना के देखें, फ्लो डायग्राम की भी स्टडी करें. एक बार अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर हमेशा याद रहने वाला है. ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.